तो हेलो बच्चों, बोर्ड आभा यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आप लोग को सुबह सुबह पता चल ही गया होगा, जब आप स्कूल गए होंगे आप लोग को अभी तक खबर हो ही गई होगी कि आप लोग का एग्ज़ाम नहीं होगा। तो इस पर रिलेटेड जितने भी अपडेट है कि आगे की परीक्षा कब होगी और आगे क्या क्या संभावित चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ें मैं अपडेट लेकर आया हूँ। पूरा वीडियो देखिएगा, देखिए काफ़ी सारा अपडेट है हमारे पास, तो वीडियो को आप लोग पूरा देख लिया कीजिए, ठीक है, ताकि किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न आपके पास ना रहे। तो देखिए, बोल रहा है कि इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष कक्षा 11 की जो द्वितीय सावधिक परीक्षा है, जो टर्म 2 की परीक्षा, उसके संबंध में एक आवश्यक सूचना सुबह सुबह आई है। चलिए देख लेते हैं, ठीक है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल की तरफ से है, ठीक है। तो ये विज्ञप्ति चलिए देख लेते हैं, विज्ञप्ति संख्या देखिए लिखा हुआ है। इस क्रम में तद द्वारा क्या किया जाता है, देखिए इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष मतलब क्लास 11 की परीक्षा 2022 से संबंधित सभी छात्र छात्राओं और उसके अभिभावकों को और स्कूल विद्यालयों के सभी प्राचार्यों पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि जो आपका 20 जून को जो परीक्षा था, है ना, क्लास 11 का कौन कौन था। देखिए दोनों पाली में आपका परीक्षा था, प्रथम पाली में फिजिक्स और अकाउंटेंसी का एग्जाम था, मतलब फिजिक्स था आपका साइंस के लिए, अकाउंटेंसी कॉमर्स के लिए, और ज्योग्राफी था आपका आर्ट्स के लिए, है ना। तो देखिए कि परीक्षा अपरिहार्य कारणवश स्थगित की जाती है, इन विषयों की परीक्षा के कार्यक्रम हेतु पुनर्निर्धारित तिथि बाद में प्रकाशित की जाएगी। तो इसका एग्जाम फिर से कब लिया जाएगा, ये तीनों सब्जेक्ट का, इस पर आपको आगे बताया जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं और इसके रिगार्डिंग क्या क्या अपडेट है, कि कब तक परीक्षा हो सकता है, बाकी चैनल मतलब बाकी जगहों में क्या अपडेट है, देख लीजिए। तो आज देखिए पूरे भारत में बंद है, ठीक है, सभी प्राइवेट सरकारी स्कूल बंद रहेंगे, है ना। सोमवार को झारखंड सरकार सभी मतलब स्कूल कॉलेज को बंद रखने का निर्णय लिया है ना, तो आप लोग एग्जाम स्थगित रहेगा। और देखिए स्कूली शिक्षा सचिव जो राजेश शर्मा है ना, आदेश दिया है कि बंद के चलते कल सोमवार को सभी मतलब परीक्षा स्थगित कर जाएंगे, क्लास 9th का और 11th का। तो क्लास 9th का तो एग्जाम देखिए आप लोग का मैथमेटिक्स 21 तारीख को है, तो 21 तारीख वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर क्लास 11th वालों का सिर्फ रुका गया है। देखिए परीक्षा स्थगित है, सोमवार को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई। चलिए और अपडेट देख लेते हैं। विभिन्न संगठनों ने कल देखिए भारत बंद को देखते हुए यहाँ पर आप लोग का एग्जाम जो 20 तारीख को था उसको कैंसिल करने का, स्थगित करने का मतलब निर्णय लिया गया। अग्निपथ योजना को लेकर विभिन्न संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है और झारखंड में भी इसका मतलब प्रभाव पड़ रहा है, देख पा रहे होंगे। परीक्षा केंद्र पर तोड़फोड़ या गड़बड़ी ना हो, ऐसी स्थिति को देख के भाप के 20 तारीख को होने वाली परीक्षा स्थगित कर दी गई है। और लिखिए दिनांक 11/6 को होने वाली सभी परीक्षाएं, यहाँ पे 21 होगा, यहाँ पे 21 लिखा होगा, 21 जून से जो होने वाली परीक्षाएं सभी यथावत रहेंगी, मतलब जो आपको बाकी का आगे का परीक्षा है उसका डेट वही रहेगा। बच्चों ऐसा नहीं सोचेगा कि अब एग्जाम हम ले रहे हैं ये रुक गया है तो बाकी सब्जेक्ट का भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट जो आपके डेट पर हैं वही तिथि पर होंगे, ठीक है। और चलिए क्या देखते हैं अपडेट, देख लीजिए कि भारत बंद आह्वान के चलते सोमवार को स्कूल बंद है। देखिए अपडेट क्या है, क्या अपडेट है कि भारत बंद आह्वान के चलते सोमवार को सभी स्कूल बंद हैं, 11वीं की परीक्षा भी स्थगित रहेगी। देखिए है ना, पढ़िए कि सेनाओं में जवानों की भर्ती के लिए शुरू हुई अग्निपथ योजना के चलते विरोध में विभिन्न संगठनों ने 20 मई को भारत बंद का ऐलान किया है। इसी को देखते हुए भारतीय झारखंड शिक्षा विभाग ने एहतियात के तौर पर देखिए सभी स्कूलों, है ना, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि विभिन्न संगठनों के बुलाए गए भारत बंद को देखते हुए झारखंड के सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे, ठीक है। इसके लिए आपका आगे का एग्जाम कहाँ होगा, देखिए यहीं पर अपडेट दिया हुआ होगा। इसके लिए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं। वहीं सोमवार को जैक की ओर से होने वाली 11वीं की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। 20 जून को होने वाली परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द होगी, है ना। और शिक्षा सचिव ने सभी जिला पदाधिकारियों सभी को निर्देश दिया कि सोमवार के जो बंद है उसके कारण सभी स्कूल बंद कर दिए जाएं। वही चीज़ें लिखी हुई हैं बार बार, चलिए और देखते हैं कि सभी जिला संबंधित प्राचार्यों और सभी को ताकि यह सूचना मिल जाए व्हाट्सएप ग्रुप में सभी को साझा करने के लिए बोला गया। शिक्षा सचिव के निर्देश के बाद जैक ने सोमवार को 11वीं की होने वाली परीक्षा स्थगित की है। जैक ने स्पष्ट किया है कि देखिए परीक्षा की नई तिथि जल्द घोषित की जाएगी और 20 जून की जो पहली पाली में 11वीं की भौतिक और अकाउंटेंसी की परीक्षा होनी थी, जबकि दूसरी पाली में आपको भूगोल की लिखित परीक्षा होनी थी। आगे देखिए कि अब ये परीक्षा 12 जुलाई के बाद होगी। देखिए तो ये अपडेट एक आ रहा है कि 12 जुलाई के बाद हो सकता है आपका एग्ज़ाम हो इस सब्जेक्ट का, जो सब्जेक्ट आपका छूट गया है। 11वीं के तय प्रोग्राम के आधार पर अब 24 मई को पहली पारी में अर्थशास्त्र होगा। देखिए अब आपका अगला एग्जाम कब है, 24 को, तो वो कब है अर्थशास्त्र का एग्जाम होगा, तो आप लोग इकोनॉमिक्स का तैयारी करना शुरू कर दीजिए। दूसरी पारी में आपका मानव शास्त्र की लिखित परीक्षा होगी। 9वीं की परीक्षाएँ सोमवार को नहीं थी, सोमवार को उन लोग का एग्जाम नहीं था, तो देखिए इसलिए निर्धारित कार्यक्रम के
अनुसार 21 जून को उसकी गणित का परीक्षा होगी। तो ध्यान से देख लीजिए, 12 जुलाई के बाद अब होगा इसका ज्योग्राफी का, और ये जो छूटा हुआ एग्जाम है आपका फिजिक्स और उसका, तो इसका तैयारी मत कीजिए। 11वीं का तय एग्जाम के अनुसार आप देखिए 24 तारीख को जो एग्जाम है उसका तैयारी आप लोग कीजिए, और 9th वाले गणित की परीक्षा आप लोग को यथावत रहेगा, मतलब 21 जून को आपको परीक्षा होगी। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट थी बच्चों, जो मैं आपको देना था। तो इसी तरह की अपडेट के लिए जितनी भी अपडेट है चैनल सब्सक्राइब कर ले, और आपको मैं बता दूँ सभी मॉडल पेपर का सोल्यूशन मैंने आपको PDF के साथ साथ करवाया है। तो जो जो बच्चे अगर अभी तक हमारे चैनल से मॉडल पेपर नहीं किए तो कर लें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं, वहाँ से सारी मतलब कि नोट्स PDF मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ कि सारे मॉडल पेपर के वीडियोज़ आप लोग देख लें, तभी आप लोग PDF डाउनलोड किया करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना, या फिर आप लोग सर्च कर सकते हैं बोर्ड आभा जैक बोर्ड, बोर्ड आभा BORD, देखिए स्पेलिंग लिख रहे हैं, जाके टेलीग्राम ग्रुप में सर्च मारिए बोर्ड आभा AABHA, बोर्ड आभा अब ब्रैकेट में जैक बोर्ड, ठीक है। तो ये सर्च मारिए, और क्लास 9th के बच्चों के लिए और क्लास 11th के बच्चों के लिए, जो कि अब 10th में जाएंगे 9th के बच्चे, और 11th वाले बच्चे अब 12th में जाएंगे, तीन लोगों के लिए भी मैंने स्पेशल ग्रुप बनाया है, जो कि नीचे आपको लिंक में मिल जाएगा, तो आप लोग जुड़ जाइए जाके, ठीक है। आप लोग अपने क्लास वाला में भी जुड़ जाइए, 9th वाले बच्चे 10th वाले में जुड़ जाएँ, 11th वाले 12th में। आशा करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा, सभी को शेयर कर दें और सभी के व्हाट्सअप में शेयर कर दें, ताकि सभी को ये अपडेट मिल सके। धन्यवाद बच्चों।